बिहार में कानून व्यवस्था पर खुद बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर रविंद्र चरण यादव भी उठा रहे हैं सरकार पर एक बड़ा सवाल। इन सवालों के कटघरे में खड़ी है राज्य सरकार। दरअसल मधेपुरा के पिछले 23 जुलाई को मुरलीगंज थाना से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर दिन दहाड़े अज्ञात अपराधियों ने गल्ला व्यवसायी बैजू जवर की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के 4 दिन बाद भी नहीं हो सकी है अब तक मामले का कोई उद्भेदन, जिससे नाराज मुरलीगंज चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के बैनर तले पुलिस प्रशासन के विरुद्ध अनिश्चितकालीन प्रदर्शन है जारी। व्यवसायियों की माने तो जब तक मामले का कोई उद्भेदन नहीं होता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष दिनेश मिश्रा ने मुरलीगंज में लगातार हो रहे व्यवसायियों पर गोलीबारी एवं हत्या को लेकर मुरलीगंज को पुलिस अनुमंडल बनाने की मांग समेत मृतक परिजनों को एक सरकारी नौकरी देने की मांग राज्य सरकार से की है। बता दें कि इन हत्या को लेकर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने खुद अपने ही सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि खासकर मुरलीगंज थाना से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर दिन दहाड़े गल्ला व्यवसायी की हत्या कर देना काफी निंदनीय और दुखद है। उन्होंने कहा कि घटना के 48 घंटे बाद भी जिले के SP घटनास्थल का जायजा तक नहीं लिया गया। क्या SP कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं? उन्होंने बिहार सरकार समेत चीफ सेक्रेटरी एवं DGP से संज्ञान लेने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, अपराधियों को कानून का खौफ नहीं है, जिसका नतीजा है मुरलीगंज के प्रतिष्ठित व्यवसायी की हत्या हो गई है और पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी है। वहीं इस मामले को लेकर मधेपुरा SDPO अजय नारायण यादव ने बताया कि पता चला है जान से मारने की नीयत से ही अपराधी व्यवसायी पर गोली चलाई है, जिससे इलाज के दौरान व्यवसायी की मौत हो गई। जल्द ही इस मामले का उद्भेदन किया जाएगा। बहरहाल हर एंगल से अनुसंधान किया जा रहा है। मधेपुरा से पब्लिक न्यूज TV के लिए रमन कुमार की रिपोर्ट। खास करके 23 तारीख के वैद्यनाथ झंवर की हत्या देर बजे दिन में हुई और मुरलीगंज थाना से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, ये घोर निंदनीय प्रशासन के लिए संसार करने वाली बात। और इस घटना के 48 घंटा के बाद भी घटना का उद्भेदन नहीं होना, अपराधी का गिरफ्तार नहीं होना और इसके बाद जहां तक है आरक्षक अधीक्षक का घटना स्थल पर मुआयना नहीं करना, क्या आरक्षक अधीक्षक कोरोना पॉजिटिव होकर के बंद है, आईसीयू में है, छुट्टी पर है, आउट ऑफ स्टेशन है, कोई मीटिंग में है? यदि मुख्यालय में है तो एक मुरलीगंज जैसे प्रतिष्ठित इस कमिश्नरी का सबसे व्यापार मंडी की जगह पर देर बजे एक निर्दोष व्यवसायी की हत्या हो जाती है और आरक्षक अधीक्षक घटना का मुआयना करने नहीं आते हैं स्वयं, यह घटना प्रशासन की निकम्मापन उदासीपन के लिए करता है। इसकी जितनी निंदा की जाए भसना की जाए वह कम है। और आपके मीडिया के माध्यम से हम स्पष्ट रूप से यह चाहेंगे कि खास करके बिहार सरकार और बिहार सरकार के प्रशासन चीफ सेक्रेटरी DGP और होम कमिश्नर इसको संज्ञान ले। यह घटना 48 घंटा के बाद SP का नहीं आना लगता करने के लिए कानून का डर अपराधी को नहीं है। पर जो मांग है हम लोग आज धरना का दूसरा दिन है, सामने कैंडल मार्च का भी कार्यक्रम है। हम लोगों का मुख्य मांग है कि झंवर जी के हत्याकांड का निष्पक्ष जांच अविलंब उसका निष्पादन हो, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और पीड़ित परिवार को कम से कम एक सदस्य को नौकरी मिले और 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले। हम लोग जब तक ये हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हो जाती हम लोग अनवरत रूप से आंदोलनरत रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। पता चला है कि कुछ अपराधी आए थे यहां जो गल्ला व्यवसायी वो बैठे हुए, उनको नजदीक से आकर गोली मारी गई है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि जान मारने की नीयत से गोली चलाई गई जिससे उनकी इलाज के दौरान खत्म मृत्यु हो गई। हम लोग सभी एंगल पर जांच कर रहे हैं, बहुत तुरंत बहुत जल्द ही इस मामले का उद्भेदन कर रहे हैं।